आप सभी भाइयों को नमस्कार, जय भारत। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दशतक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सैनी समाज ने आज से एक साल पहले आंदोलन किया था राजस्थान के अंदर, जो कि सैनी समाज की उसमें 12 सूत्री मांग थी, उनमें से कुछ मांगे पूरी कर दी गई थी। और दोस्तों, अब फिलहाल सैनी समाज फिर से रोड पे आ गया है और जो नेशनल हाईवे है वो जाम कर दिया है। जो आपने दोस्तों सही सुना, जो भरतपुर के अंदर नेशनल हाईवे है वो वहाँ पर लोगों ने जाम कर दिया, सैनी समाज के लोगों ने। और भाई दोस्तों, आपको बता दें, ये आंदोलन क्यों जा रही है, क्योंकि आज से एक साल पहले सैनी समाज ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। और दोस्तों, आपको बता दें, जो राजस्थान के अंदर है वो कांग्रेस की सरकार है, और भाई जो आंदोलनकारी हैं वो मौर्य कुशवाहा शाक सैनी समाज के लोग हैं। और जो बात की जाए सीएम की, तो सीएम भी उनके माली समाज के सीएम हैं, जो कि सैनी समाज से आते हैं। तो अशोक गहलोत जी वहाँ के सीएम हैं। फिलहाल दोस्तों, इसके लिए एक बात बता दें, अशोक गहलोत ने भी अभी तक जो उनका सैनी समाज है उसके लिए कुछ किया नहीं है, क्योंकि दोस्तों लगातार जो सैनी समाज के लोग हैं एक साल से वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि जो उनकी 12 सूत्री मांगे पूरी की जाए। दोस्तों आपको बता दें, जो मौर्य कुशवाहा शाक सैनी माली समाज है उसकी सबसे बड़ी मांग एक ही है, जो 12% आरक्षण है वो उसका अलग कर दिया जाए। मौर्य कुशवाहा शाक सैनी समाज की हिसाब से उनकी जितनी जनसंख्या है राजस्थान के अंदर, जो कि माली समाज है उसकी जितनी संख्या है राजस्थान के अंदर, उस हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया जाए। वैसे उनका दोस्तों लिखित में उनका 12% आरक्षण है और वो कह रहे हैं हम उसको लेकर रहेंगे। और भाई दोस्तों, बात किया है, जो अशोक गहलोत जी जो सीएम है वो भी उनके समाज से आते हैं और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो सैनी समाज की एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस सरकार के लिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आपके लिए बता दूं, जो राजस्थान के अंदर भरतपुर है वहां पे जितने भी आंदोलन हुए हैं सफल हुए हैं, जिन लोगों ने भी आंदोलन किए हैं, तो ये इस आंदोलन की भी शुरुआत भरतपुर से हुई थी और करीब एक साल से चल रहा है। और कुछ लोगों ने उनको मतलब सरकार द्वारा बात कराई थी, तो जिस तरीके से सैनी समाज की एक साल पहले सरकार से बात हुई थी, तो उसमें उनको आश्वासन दिया गया था कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। फिलहाल दोस्तों, उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, तो आज सैनी समाज फिर से 3 दिनों से रोड पे है और लगातार उसने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज ये है, जो भरतपुर के अंदर इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी गई है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भरतपुर के अंदर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है रात 12 बजे तक। और वो क्यों बंद कर दी गई है, वो इसलिए बंद कर दी गई है, जो कि वहां का जो मौर्य कुशवाहा शाक सैनी माली समाज है वो लगातार वहां पे आंदोलन कर रहा है और उसने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। और जो वहां के लोग हैं हटने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनका कहना है सरकार जितने भी तरीके से हमारे साथ जो अत्याचार कर रही है कर ले, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, पर जो हमारी 12% आरक्षण की जो मांग है उसको पूरा कर दे। और दोस्तों, भाई सैनी समाज का कहना है, अगर जेल में डाल के उनको उनका 12% आरक्षण मिल जाए तो वो हमको भी जेल में डाल दे। ये लोगों का कहना है, जो सैनी समाज के लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं मौर्य कुशवाहा शाक सैनी माली समाज के लोग। तो दोस्तों, वहाँ पे जो मौर्य कुशवाहा शाक सैनी माली समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो वहाँ का माहौल गरमाया हुआ है और लगातार वहाँ के जो आंदोलनकारी हैं पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों आपके लिए बता दें, राजस्थान के अंदर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो ये एक कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। सैनी समाज जो उसका 12% आरक्षण है उसको देते हैं कि नहीं, तो लगातार सैनी समाज कांग्रेस के विरोध में है और भाई अशोक गहलोत का लगातार विरोध कर रहा है। वैसे वो उनके समाज के सीएम है, उनका कहना है जब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आपको एक बात बता दें दोस्तों, जो सैनी माली कुशवाहा मौर्य शाक सैनी समाज है, राजस्थान के अंदर भी रहता है, बिहार के अंदर भी रहता है, यूपी के अंदर भी रहता है और हरियाणा के अंदर भी रहता है। दोस्तों कहीं भी देख लो, ऑल इंडिया जो भारत है, हर जगह सैनी समाज की भागीदारी है और सैनी समाज भारत के अंदर काफ़ी बड़ी जनसंख्या में रहता है। तो दोस्तों, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर कांग्रेस सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो राजस्थान के अंदर तो उनका घाटा होगा ही, ऑल इंडिया में उनका घाटा होगा, क्योंकि जो सैनी समाज है वो पूरे भारत के अंदर रहता है और इसकी अच्छी खासी आबादी है। तो सैनी समाज का कहना है कि उनकी जितनी आबादी है, जनसंख्या है, उसके हिसाब से राजस्थान के अंदर उन्हें 12% आरक्षण दे दिया जाए, वरना ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा और एक उग्र आंदोलन होगा। अभी तो लोग शांतिपूर्वक यह आंदोलन कर रहे थे, अब लोगों का कहना है जिस तरीके से उनके लोग पुलिस प्रशासन ने जेल में डाले, उनका कहना है इस तरीके से तो अपराधियों को भी जेल में नहीं डाला जाता, जिस तरीके से हमारे आंदोलनकारी भाइयों के लिए जेल में डाला गया है। तो दोस्तों, सैनी समाज वहां पे लगातार माहौल गरमाया हुआ है और सैनी समाज पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पूरी रिपोर्ट पर, जिस तरीके से माली समाज से आने वाले सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार लगातार जिसके दम पे 3 बार सरकार बनाई है सीएम अशोक गहलोत के दम पे, तो क्या अशोक गहलोत जिस समाज से आते हैं मौर्य कुशवाहा शाक सैनी माली समाज से, क्या उस समाज को आरक्षण देंगे? अपना कमेंट में जवाब जरूर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।